हेलो व्यूवर्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन नेमत डॉट खाना में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज मटन स्ट्यू बनाते हैं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से। तो बने रहे मेरे साथ और देखें इसका प्रोसेस। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम मटन लिया है, जिसे धोकर छान लिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और गोश्त पकने से पहले ड्राई हो जाए। एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल लें और उसमें अपने धुले हुए गोश्त को डाल दें और यहाँ पर अपने सारे मसाले डालते जाएं। तो सबसे पहले डालें कटी हुई प्याज। मैंने यहाँ पर 400 ग्राम प्याज लिया है। अब जो धोकर मैंने धनिया की पत्ती रखी थी उसे भी डाल दें, ढेर सारी धनिया की पत्ती डालें और साथ में डालें 2 टेबल स्पून फेटा हुआ दही। कटी हुई 3 हरी मिर्च डालें। अब पाउडर मसालों की बारी है, तो एक एक कर उन्हें भी डालें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालें, हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालें, हाफ टीस्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर डालें, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालें। थ्री क्वार्टर टी स्पून नमक डालें या नमक स्वाद के अनुसार डालें। एक थंब साइज ग्रेटेड जिंजर डालें। एक टेबल स्पून भरकर लहसुन पेस्ट डालें। चौथाई टीस्पून जीरा पाउडर डालें। चौथाई टीस्पून इलायची पाउडर डालें। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहें तो छोड़ दें। अब अपने हाथ धो लें और हाथों से इसे खूब अच्छी तरह से मसल मसल कर मिला लें। और अगर हाथों को मिर्ची लगती है तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें। इसका पर्पस ये है कि मिलाते हुए इसे बहुत ही जूसी हो जाना चाहिए और गोश्त के साथ सारे मसालों को एकजान हो जाना चाहिए। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एक बर्तन में बघार का सामान निकाल लें। तो मैंने यहाँ पर इलायची लिया है जिसका मुंह खोल लिया है, काली मिर्च हाफ टी स्पून, ज़ीरा हाफ टी स्पून, 5-6 अदद लौंग है, जावित्री है, स्टार एनिस है और दारचीनी है। जावित्री गोश्त के विषांत को रोकता है और स्टार एनिस बहुत अच्छी खुशबू देता है। यूँ समझे कि इसमें लौंग, इलायची और दारचीनी तीनों की खुशबू एक साथ है। तो अब ये सारे सामान इकट्ठा कर लें और एक तरफ रख लें। एक कुकर में 100 ग्राम सरसों का तेल गरम करें और ऊपर से उसमें डालें 1 टेबल स्पून देसी घी। अब जो मैंने बघार का सारा सामान इकट्ठा किया था उसे आप इस गरम तेल में डाल दें और इतनी देर तक इसे पकाएं ज़्यादा काला ना होने पाए। अब इस मसले हुए गोश्त को बघार के ऊपर डाल दें। देखिए ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटा गोश्त तैयार होने वाला है और बहुत ही कम मेहनत में। अब मसाले के साथ गोश्त को तेज़ आंच पर 2-3 मिनट तक तल लें। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं 5-6 मिनट से गोश्त भुना जा रहा है और इसी तरह से भूनते हुए इसके सारे जूसेस रिलीज़ हो चुके हैं और प्याज भी कुछ ट्रांसपेरेंट सा हो चुका है। तो अब यहाँ पर कुकर का ढक्कन बंद कर देना है और सीटी आने के बाद गैस को स्लो कर देना है
और स्लो मोड पर ही इसे पकाना है, यहाँ तक कि गोश्त गल जाए। और शायद इसके गलने में 15 से 20 मिनट का वक्त लग सकता है। तो कुकर को बंद कर दें और गोश्त को इतनी देर तक गलाएं कि ये सॉफ्ट हो जाए। पंद्रह मिनट तक गोश्त को मैंने स्लो कुक किया और फिर गैस बंद कर दिया। फिर कुकर ख़ुद से ठंडा होने के बाद अभी मैंने ढक्कन खोला है, तो आप देख सकते हैं कि गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है और मसाला बिल्कुल क्रीमी और वेलवेटी सा हो रहा है। इसका मतलब है ये बहुत अच्छी तरह से भुना जा चुका है। तो अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो व्यूअर्स, आपने देखा क्या कोई मेथड इससे ज़्यादा आसान हो सकता है गोश्त पकाने के लिए? ये बस 10 मिनट से भी कम वक्त इसमें चूल्हे के पास रहना पड़ा है, बाकी सब काम आप फैन के नीचे बैठकर कर सकते हैं। तो आप भी पकाएं, खिलाएं, खाएं और अपने जानने वालों में इसकी रेसिपी को शेयर करें। और जिन लोगों ने पहली बार हमारे चैनल को ज्वाइन किया है वो फटाफट से मुझे सब्सक्राइब कर लें और हमें लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन ऑन रखें ताकि मैं जितनी भी रेसिपी डालूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप हमसे जुड़े रहें। तो चलिए इसे ट्राई करें, एक बार पकाएं। तो मिलते हैं फिर किसी अगली रेसिपी पर। थैंक यू।